जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, YouTube पे वालों को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बोल के सर केवल एक महीना डेली भर्ती का बचा हुआ, रनिंग में स्पीड और स्टेमिना कैसे बनाएं, 1600 मीटर का समय कैसे कम करें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वास और आस्था दिलाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सुबह मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको टिप गहराई बताएंगे कि 1600 मीटर 4 मिनट 40 सेकंड में कैसे मारें, दौड़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, डाइट में क्या लें जिससे एनर्जी बनी रहे, और जो 1600 मीटर का लास्ट वाला राउंड है वो फिनिशिंग बहुत अच्छी से। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र सिंह पैरवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर फिजिकल एकेडमी से। मैं सबसे पहले सभी भाइयों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना विश्वास ट्रस्ट करते हो और हम आपके लिए प्रतिदिन मोटिवेशन वाले वीडियो, जैसे रनिंग स्पीड कैसे बनाएं, 1600 मीटर का समय कैसे कम करें, दौड़ते समय सांस कैसे लें, तमाम प्रकार की जानकारी आपको देते हैं। तो साथियों, आज का जो वर्कआउट है साथियों, आज हमारा ब्रीज रनिंग वर्कआउट है दोस्तों, और हमारे यहां पर दोस्तों प्रतिदिन दोस्तों डे वाइज अलग अलग रनिंग होती है। किसी दिन दोस्तों ब्रीज रनिंग होती है, मतलब हिल्स रनिंग होती है, किसी दिन दोस्तों स्टेमिना रनिंग होती है, किसी दिन दोस्तों इंडोरेंस लगवाते हैं, किसी दिन दोस्तों स्पीड वर्कआउट होता है दोस्तों, है ना, और हफ्ते में एक दिन दोस्तों ट्रायल होता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब तो दोस्तों इतना है कि प्रतिदिन दोस्तों आप अपनी रनिंग में बदलाव लेके आओ, प्रतिदिन अलग अलग वर्कआउट करिए। अंदर हो जाओ, उधर कहते करारी अंदर। प्रतिदिन दोस्तों अलग अलग वर्कआउट करो। जैसे दोस्तों किसी दिन आप इंडोरेंस लगाइए, किसी दिन दोस्तों हिल रनिंग करिए, किसी दिन दोस्तों आप स्टेमिना रनिंग लगाइए, और मेरा कहने का मतलब ये लगाने के बाद में दोस्तों आपको एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दे, डाइट पर आपको विशेष ध्यान देना है। इससे दोस्तों झिकझिक से दोस्तों इतना ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे सांस वाली जो समस्या होती है वो एकदम दूर हो जाती है। कभी आप इंडोर आप कभी दोस्तों ब्रिज रनिंग करोगे तो जो सांस वाली समस्या है दोस्तों वो आपकी दूर हो जाएगी। सेकेंड्स जब रनिंग ख़त्म होने के बाद दोस्तों वर्कआउट में आपको यूज़ करना शटल रन, उससे भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। डाइट में आपको लेना दोस्तों कांटे वाले चने, मूंग। ओए क्या दिक्कत आ रही है, वो आगे वो। डाइट में लेना है दोस्तों आपको कांटे वाले चने, मूंग, मूंगफली और बादाम दोस्तों। तो ये चीज का दोस्तों आपको सेवन करना है। दौड़ते समय दोस्तों सांस दोस्तों आपको नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। और जब सांस रही है दोस्तों उस टाइम गहरी सांस लेना है और गहरी सांस दोस्तों आपको छोड़ना है। ये तमाम प्रकार की दोस्तों आपको सावधानी को प्रयोग में लेना है और रनिंग आपको करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 1600 मीटर का एक अच्छा धावक बनना है, 1600 मीटर 4 मिनट 40 सेकंड मारना है, तो दोस्तों आप किसी के अंदर मेहनत करिए एज ए ट्रेनर को, क्योंकि दोस्तों कोई भी आपको सलाह देगा, आपका कोच या आपका ट्रेनर कोई भी सलाह देगा तो आप मेहनत करोगे, अकेला बंदा मेहनत नहीं कर सकता। सेकंड, ग्रुप के साथ में दौड़िए, कम से कम एक ग्रुप में दोस्तों 200 बंदे होना चाहिए और वहाँ से दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे नहीं दौड़ पाते, क्योंकि रैली भर्ती में बराबर 300 बंदों का बैच बनता है साथियों। तो दोस्तों आपको ग्रुप के साथ में दौड़ना है, डाइट पर विशेष ध्यान देना है, प्रतिदिन आपको दोस्तों रनिंग में बदलाव लाना है, किसी दिन दोस्तों आपको लंबी रनिंग भी करना है, किसी दिन दोस्तों आपको हिल रनिंग भी करना है, किसी दिन दोस्तों आपको एंडोरेंस लगवाना है, शूट मारना है, इस बार आपको विशेष ध्यान देना है और आपको क्या करना है दोस्तों, मेहनत करना है। और कमेंट करिए दोस्तों या आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और मात्र दोस्तों केवल एक महीना है दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट, तो मेहनत करिए। अभी ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, आइए इंदौर फिजिकल एकेडमी,
रुपया नहीं है आपके पास तो रहना और खाना दे देना बस, हम आपको मेहनत करवाएंगे और हम आपको जो है इंडियन आर्मी की वर्दी दिलवाएंगे। आगे साथियों देख रहे हैं आप किस तरह बच्चा मेहनत कर रहे हैं, उस सुबह मॉर्निंग का समय 4 बजे, बाबू कितने बजे आए थे सुबह? 4 बजे। 4 बजे आए थे। आगे 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 चल गए, अंदर हो जा अंदर हो जा, मुझे अंदर 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 अंदर। ये दोस्तों यहां से बहुत लंबा ब्रिज है दोस्तों, वहां से पूरा घूम के आते हैं, जब ब्रिज चढ़ते हैं तो स्पीड ज्यादा रहती है और जब बच्चा ब्रिज उतरता है तो अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आइए आप भी इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी दोस्तों अपने सपने को साकार करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।